हेलो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए गोभी कटी हुई है और यहाँ मैंने एक प्याज ले लिया है और यहाँ मैंने राजमा भिंगो के रख दिया था। और अब मैं यहाँ कुकर चढ़ा के यहाँ प्याज और आलू रख ली हूँ और देख सकते हैं यहाँ तड़का लगाने के लिए मैंने अब प्याज को डालना है। अब इसको मैं भूनूंगी अच्छे से, इसमें पचफोड़ना और तेजपत्ता डाल के और प्याज को मैंने डाल के अब अच्छे से भूनना है। इसको डाल दी हूँ और मैंने राजमा को भी भिंगो के रख लिया था, उसको धुला दिया मैंने अच्छे से। यहाँ मैंने आलू डालना है, उबला हुआ आलू मैंने तोड़ के डालना है अच्छे से। इसको भूनूंगी मैं और इससे जो बन के रेसिपी तैयार होगी आप देख के बताएं आपको कैसी लगी, और बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ गोभी कटी हुई मैंने डाल दी हूँ, गोभी कटी हुई डाल दी हूँ। अब इसको भूनूंगी मैं अच्छे से, देख सकते हैं इस तरह से कुकर में मैं बना रही हूँ और ये कुकर में ही फटाफट बन जाता है और रेडी हो जाता है। तो अपने घर पे भी इस तरह से जल्दी में आप ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से सब्जी मसाला, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको भूनना है अच्छे से। और इसको अच्छे से भूनना है और जब ये अच्छे से भुना जाए, हल्का ही भुनना है, उसके बाद अब मैं यहाँ राजमा धो के डाल रही हूँ। ये राजमा मैंने रात में भीगने दे दिया था और सुबह इसको अच्छे से मैंने धो के इसमें डाला है और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और यहाँ मैं अब पानी डालूँगी, इसको अच्छे से ये भुन जाए उसके बाद यहाँ पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ आप जितना पानी रस जितना आपको चाहिए उतना ही पानी डालें, मुझे ज़्यादा रस चाहिए इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। मेरे बच्चे को ज़्यादा रस पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, तो आप लोग जितना हो सके कम में भी डाल सकते हैं, ज़्यादा में भी, और बहुत ही टेस्टी बनकर ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। और देख सकते हैं आप कितना जल्दी ये फ्राई हो गया और कम तेल में कम मसाले में ये बड़ा ही स्वादिष्ट बन के रेडी होता है। तो अब इसमें सीटी लगाएं, इसमें मैं 4-5 सीटी लगाई थी, तो देख सकते हैं यहाँ 4-5 सीटी मैं लगा रही हूँ, बन के ये रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं रोटी के साथ मेरे बच्चे खा रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अपने घर पे इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें।